झुंझुनू की स्थायी लोक अदालत द्वारा नियुक्त किए गए न्याय मित्र केके गुप्ता का झुंझुनू शहर में असर दिख रहा है। अस्थायी अतिक्रमणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। नेहरू मार्केट के बाद आज सुबह सुबह नगर परिषद की टीम ने रोड नंबर 1 पर भी कार्रवाई की। मुख्य सफाई निरीक्षक राजीव जानू के नेतृत्व में टीम ने बीडी के अस्पताल के बाहर एक रेहड़ी के आगे लगाई गई अतिरिक्त रेहड़ी ठेले को जब्त कर लिया है। जानू ने बताया करीब 50 से अधिक रेहड़ी ठेलों को जब्त किया गया है। वहीं रेहड़ी ठेले वालों को हिदायत दी गई है कि एक से ज्यादा रेहड़ी ना लगाए, साथ ही रेहड़ी ठेले का मूवमेंट हो, अस्थायी रेहड़ियों को किसी भी सूरत में रास्ता अवरुद्ध करने नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है बल्कि स्वच्छता के साथ साथ सौंदर्यकरण भी प्रभावित हो रहा है। नेहरू मार्केट के बाद में दूसरा नंबर हम बीडी के अस्पताल के पास में जो एक एक रेहड़ी के आगे तीन तीन रेहड़ियाँ लगा रखी थी, न्याय मित्र श्री के गुप्ता जी ने हमारे को निर्देश दिए थे, आयुक्त महोदय ने भी निर्देश दिए हैं कि उनमें एक रेहड़ी आप आगे से छोड़ो, बाकी की सब हटा दो, उसी के लिए कार्रवाई की जा रही है, रेहड़ियाँ जब्त की जा रही हैं, भविष्य में ये चलती रहेगी।